जरा सोचिए, बिना गूगल के आपकी जिंदगी कैसी होगी? अगर गूगल ना हो तो आपको कोई भी जानकारी ढूंढने में या तो एक दो दिन लग जाएंगे या फिर कई महीने। गूगल वो सर्च इंजन है जिसके बिना हम एक सेकंड भी नहीं रह सकते। कोई भी जानकारी लेना हो तो हम सीधा गूगल का ही सहारा लेते हैं। इस पर आपको हर तरीके की जानकारी मिल जाती है। कुछ भी पता करना हो तो आप सीधा गूगल का बटन दबाते हैं और सर्च से सारी सटीक जानकारियां आपके सामने आ जाती हैं। आपको बता दें कि गूगल कोई कंटेंट नहीं बनाता है, बल्कि यह अलग अलग वेबसाइट को प्लेटफॉर्म मुहैया कराता है। आमतौर पर बैंकिंग, हेल्थ, राजनीति, मनोरंजन, फोटो, कई चीजों को गूगल पर सर्च करते हैं। लेकिन क्या आप सच में सभी चीजों को सर्च कर सकते हैं? और अगर करते भी हैं तो क्या यह आपको पूरी सुरक्षा देता है? तो जवाब है नहीं। अगर आप हर चीज के लिए गूगल सर्च इंजन का सहारा लेते हैं तो सावधान हो जाएं, नहीं तो आपको इसका नुकसान भी हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि गूगल पर कौन सी चीजों को सर्च करने से आप बुरी तरह से फंस सकते हैं। जानिए कि गूगल सर्च इंजन पर वो कौन सी चीजें हैं जो आपको नहीं खोजनी चाहिए। सबसे पहली चीज, आप अपने बैंक की वेबसाइट को गूगल पर सर्च ना करें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके लिए आप हमेशा अपने बैंक की वेबसाइट की आईडी याद रखें, क्योंकि जब आप बैंक की कोई भी जानकारी लेने के लिए गूगल पर सर्च करते हैं तो जल्दी में आए सर्च रिजल्ट पर बिना ध्यान दिए लिंक खोलकर बैंक से मिलती जुलती साइट पर अपनी बैंक से संबंधित जानकारी डाल देते हैं, जिससे आप फिशिंग का शिकार हो सकते हैं। गूगल पर कंपनियों के कस्टमर केयर नंबर भी सर्च नहीं करना चाहिए। बढ़ते साइबर क्राइम के मुताबिक ऐसे कई धोखेबाज हैं जो गूगल कस्टमर केयर नंबर डालकर फेक वेबसाइट बना लेते हैं, जिससे इसके झांसे में लोग बहुत जल्दी आ जाते हैं। कोई भी ऐप डाउनलोड करना है तो हमेशा गूगल प्ले स्टोर या एप्पल के ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, न कि गूगल सर्च करके। बढ़ते चाइल्ड पॉर्न क्राइम से हम सभी अवगत हैं। चाइल्ड पॉर्न देखना या बनाना दोनों ही गैरकानूनी है, लेकिन अगर कोई भी गूगल पर ऐसी चीजें सर्च करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि सरकार ने चाइल्ड पॉर्न पर बहुत ही कड़े नियम लागू कर दिए हैं, जिसके मुताबिक अगर आप गूगल पर ऐसी चीजें सर्च करते हैं तो इससे आपकी आईपी एड्रेस की पहचान हो सकती है और आपको सीधा जेल जाना पड़ सकता है। तो गलती से भी ऐसी चीजें गूगल पर कभी भी सर्च ना करें और ना ही किसी को करने दें। गूगल पर हाउ टू अबॉर्ट अ चाइल्ड सर्च ना करें। अगर आप बिना प्लानिंग के गर्भवती हो जाती हैं तो सीधा डॉक्टर से सलाह लें, उनसे बात करें, ना कि गूगल पर सर्च कर खुद डॉक्टर बने। ऐसा करना आपके हेल्थ के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। बता दें कि अगर आप गर्भपात कराने का सोच रहे हैं तो सीधा डॉक्टर के पास जाएं और सुरक्षित तरीके से अबॉर्शन कराएं। डॉक्टर कभी भी आपकी पहचान रिवील नहीं करेगा, तो इसलिए गूगल पर डॉक्टर मास्टर ना बने, क्योंकि अगर गलत दवा खा ली तो आपको कई साइड इफेक्ट का सामना भी करना पड़ सकता है। अबॉर्शन के अलावा भी अगर आप बीमार हैं तो प्लीज गूगल को ना खोलें। ऐसा अक्सर होता है कि जब आप अपनी बीमारी गूगल पर सर्च करते हैं तो आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के भी सिम्टम्स उसी से मिलते जुलते दिखाई देते हैं, जिसके बाद आप टेंशन में आ जाते हैं। इसलिए थोड़ा पैसा खर्च कर डॉक्टर के पास जाएं, उनसे सलाह लें, ना कि गूगल पर खोजना शुरू कर दें। माना कि गूगल
हर चीज की जानकारी देता है, लेकिन गूगल हर मर्ज का इलाज नहीं कर सकता। लोग अक्सर मजे मजे में बम बनाने का तरीका गूगल में सर्च करते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। इससे आप बहुत ही बुरी तरह फंस सकते हैं। गूगल पर प्रेशर कुकर बम बनाना, हाउ टू जॉइन ISIS, हाउ टू मेक होम मेड बम जैसी चीज़ों को गलती से भी सर्च मत कीजिएगा। आपको बता दें कि ऐसी चीज़ों को सर्च करने से आपको पुलिस पकड़ सकती है, और ऐसा हुआ भी है। भारत में भले ही ऐसा कोई केस सामने ना आया हो, और हम चाहते भी नहीं हैं कि भारत में ऐसे केस का पहला आरोपी आप बने। बुकलेस ज्ञान की आज की नॉलेजेबल वीडियोस में बस इतना ही। आपको आज की नॉलेजेबल वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचे।